जब तक व्यूवर्स आपके थंबनेल में क्लिक नहीं करेंगे तो उसको पता कैसे लगेगा भाई क्या आपने कंटेंट बना रखा है, क्या बताना चाह रहे हो, कैसी आपकी वीडियो क्वालिटी है, सारी चीज़ें तभी देखेंगे जब आपके थंबनेल में क्लिक करेगा। और यहाँ तक कि आप कोई भी ट्रिक आजमा लो यूट्यूब में, वो सारी ट्रिक आपकी थंबनेल से होके ही गुजरती है। जब तक कोई आपके थंबनेल में क्लिक नहीं करेगा तब तक आपकी ट्रिक भी कुछ काम नहीं आने वाली, सब बेकार है। यहाँ तक कि आपने वीडियो भी बहुत अच्छी बना ली, कंटेंट भी बहुत अच्छा दे दिया, बट अगर आपने थंबनेल बेकार सा लगा दिया, कोई वैसा लगा दिया, अगर आपने थंबनेल वैसे ही नॉर्मल सा लगा दिया तो आपके थंबनेल में क्लिक नहीं आने वाले, क्लिक नहीं आने वाले तो आपका एवरेज ड्यूरेशन टाइम जाएगा डाउन, आपका इंप्रेशन जाएगा डाउन, आपका रीच जाएगा डाउन, तो भाई व्यूज कहाँ से आप आएंगे फिर। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ चार चीज़ें आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी जी दोस्तों, आपके वैसे ही व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। अब ये नहीं कह रहे कि एक दिन में ही उसमें व्यूज लाख में पहुंच जाएंगे, नहीं, बट ये इस चीज़ की गारंटी है कि आपके व्यूज आना चालू हो जाएंगे अगर आप इस तरह से थंबनेल लगाते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे, थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज बताने जा रहा हूँ चार गलतियाँ जो कि आप थंबनेल में करते हो जिसके आपके व्यूज या तो आते नहीं या तो रुक जाते हैं। पहली गलती, आप बैकग्राउंड ही गलत सिलेक्ट कर लेते हो, बैकग्राउंड ही आपका अजीब सा रहता है, क्योंकि दोस्तों अच्छी चीज़ हर किसी को पसंद आती है और बुरी चीज़ चाहे कोई भी हो, कलर हो या कोई खाने वाली चीज़ हो, हर किसी को बुरी लगती है। अब ये देख लीजिए बैकग्राउंड, अब ये आसमान में उड़ रहा है भाई, पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या बताना चाह रहा है थंबनेल में। अब ऐसे ही आप थंबनेल डालोगे कौन बिल्कुल आपकी वीडियो में क्लिक करेगा, आपके थंबनेल में क्लिक करेगा, इसमें पता लग रहा है आपको कुछ कि क्या बताना चाह रहा है, आसमान में उड़ रहा है। अब ऐसे में आप थंबनेल डालोगे तो आप क्लिक आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ना आपके व्यूज आने वाले अगर इस टाइप के थंबनेल, बैकग्राउंड भी पता नहीं लग रहा देखिए बैकग्राउंड। और ये देखिए थंबनेल, इसका बैकग्राउंड देखिए आप, बिल्कुल अलग सा यूनिक सा है, बिल्कुल ये मतलब कि पता ही नहीं लग रहा कौन सा कलर है, मतलब कि मैंने जिंदगी भर में मतलब कि ऐसा कलर मैंने देखा नहीं आज तक थंबनेल में किसी का जो कि भाई ने लगा रखा है, बिल्कुल ही अलग ही लग रहा है, मतलब कि बिल्कुल ही देखने में भी ऐसे लग रहा है कि कैसे देखें, मतलब कि अगर इस टाइप के अगर बैकग्राउंड कलर लगाओगे, बैकग्राउंड दोगे, ना आपका फ्रंट अच्छा लगेगा, ना आपकी पिक्चर अच्छी लगेगी, ना लोगों को समझ में आएगा कि भाई क्या बताना जा रहा है, क्या दिखाना जा रहा है थंबनेल में। तो आपको ऐसे बैकग्राउंड ही लगाने, बैकग्राउंड आपको लगाने अधिकतर जो भी यूज़ करते हैं ब्लैक, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर यूज़ करते हैं ब्लैक या वाइट, वाइट बहुत ही कम आप लगा सकते हैं, बट ब्लैक आप ऐसी चीज़ है कि आप कुछ भी लगाओगे लोगों को साफ दिख जाता है और अच्छा भी लगता है, चाहे वो फॉन्ट हो, चाहे आपकी फ़ोटो हो या कुछ इमेज वगैरह आप डाल रहे हो थंबनेल में, वो सारी चीज़ें लोग आराम से देख सकते हैं आपके थंबनेल में और वो क्लिक भी करेंगे क्योंकि उनको पसंद भी आएगा। अब अगर आप ऐसे लगाओगे थंबनेल तो भाई कोई भी आपकी वीडियो नहीं देखने वाला, तो इस तरह से आपको बैकग्राउंड नहीं लगाना, ये ध्यान रखना। दूसरी गलती करते हैं हम, फॉन्ट बिल्कुल ही बकवास डाल देते हैं, समझ नहीं आता लोगों की भाई क्या लिख रहा है, क्या बता रहा है थंबनेल में। अब ये थंबनेल देखिए, इसके फॉन्ट देखिए आप, मतलब कि इतने सारे फॉन्ट इसने यूज कर लिए, समझ नहीं आ रहा भाई क्या लिख रहा है, मतलब कि बेकार सा लग रहा है फ्रंट, अलग ही लुक आ रहा है उनका, मतलब कि देखने में अजीब सा लग रहा है। तो आपने ऐसे फॉन्ट तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना जैसे कि कर रहे हैं चारों, मतलब कि अलग ही अलग फॉन्ट डाल दिए चारों में, अलग ही स्टाइल के चारों के चारों, और अच्छे भी नहीं लग रहे, ऊपर से बैकग्राउंड भी ऐसे डाल दिया और फॉन्ट भी बिल्कुल अलग ही, आपने फॉन्ट डालने एक से ही और अच्छे लुक में ताकि लोगों को अच्छा लगे दिखने में। अब इसका फॉन्ट देखिए, अगर किसी को समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट कर देना भाई ये लिखा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, मतलब कि बिल्कुल ही अब इतना टाइम किसी के पास है कि इस भाई का कोई पढ़ेगा थंबनेल भाई क्या लिखा है, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। अगर किसी को अच्छा लगेगा आपका थंबनेल तो वो उसमें क्लिक कर देगा, इतना नहीं है कि आपके थंबनेल को पढ़ेगा, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो आपने इसलिए फॉन्ट बहुत बढ़िया डालना है, अच्छा दिखना है, साफ दिखना है, जो कि लोग देखते ही पता लग जाए कि हाँ भाई ये बताना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं इस वीडियो में, वो थंबनेल से ही उसको पता लग जाना चाहिए व्यूअर्स को। अगर आप ऐसे डालोगे तो भाई कौन क्लिक करेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। तो इस टाइप के फॉन्ट आपको यूज़ नहीं करने, आपने फॉन्ट करने हैं इस टाइप के यूज दे सकते कि नहीं, बढ़िया फॉन्ट, अलग ही लुक आ रहा है, अलग ही पता लग रहा है कि भाई ये क्या बता रहा है भाई। और दूसरा फॉन्ट ये देखिए वाइट भी अलग ही सब कुछ साफ दिख रहा है बिल्कुल एकदम क्लियर कि ये इस वीडियो में क्या बताना चाह रहा है, क्या हमें इसकी वीडियो देखनी चाहिए, नहीं तो आपकी वीडियो में क्लिक तभी आएंगे जब आपके ये फॉन्ट वगैरह बिल्कुल साफ होंगे, क्लियर होंगे, बैकग्राउंड साफ होगा। तो इस तरह से आपने सफाई रखनी है, पोछा मार के झाड़ू पोछा लगा के बिल्कुल साफ, उस तरह से नहीं, जो कि इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना, फॉन्ट ना बैकग्राउंड पता चल रहा है, ना आपका फॉन्ट पता चल रहा है, और ना आपकी पिक्चर दिखाई दे रही है, ना आपकी इमेज दिखाई दे रही है, कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा। तो ऐसे काम नहीं करना मेरे भाई, जो कि नए खासकर वो उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। तीसरा है मतलब कि आधी अधूरी जानकारी आप दे रहे हो थंबनेल में, पता ही नहीं लग रहा लोगों को भाई क्या बताना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं थंबनेल, आपको पता लग रहा है कि भाई ये क्या बता रहा है, इसने क्राइम मास्टर की फोटो डाल दी, अब इसमें पता लग रहा है कुछ कि ये क्या बता रहा है, एडिटिंग के बारे में बता रहा है, लोगों के बारे में बता रहा है, बैनर के बारे में बता रहा है, या क्राइम मास्टर के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो लोग क्लिक करेंगे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पता ही नहीं लग रहा है कि ये भाई क्या बता रहा है थंबनेल में, तो इसने पहले ही खराब कर दिया थंबनेल अपना, तो कौन वीडियो में क्लिक करेगा, कौन आपके थंबनेल में क्लिक करेगा, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जानकारी ही नहीं है कि भाई किस बेस पे ये वीडियो बना रहा है, किस कंटेंट पे वीडियो बना रहा है,
कुछ तो लिखे इसमें, अब इसने पूरा काई मास्टर डाल दिया और कुछ नहीं लिख रहा। तो ऐसे आपको ये होती है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थंबनेल में, तो आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। और बहुत सारे क्या करते हैं, थंबनेल में फोटो डाल देते हैं अपनी और कुछ पता ही नहीं लगता है कि अपनी फोटो दिखा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अपने आपको दिखा रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं, उनका पता ही लगता है। जैसे कि देख सकते हैं थंबनेल, अब ये भाई से आप बैठे हुए हैं, पता ही लग रहा है क्या बताने चाह रहे हैं थंबनेल में, किस टैग से इनका चैनल है, बट बताने क्या चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। अपना पेट दिखा रहे हैं या अपनी चैन दिखा रहे हैं, जो पीछे मछली तैर रही है वो दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे में कौन आपकी वीडियो क्लिक करेगा, आपके फेस देखने नहीं आए लोग, आपका वीडियो देखना है। तो ये ध्यान रखिए, आपको इन्फॉर्मेशन देगी पूरी प्रॉपर तरीके से कि भाई ये वीडियो है और ये बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा आपने खिंचनी नहीं पकानी, थोड़ा सा लिखना है बस, साफ लिखना है, फॉन्ट्स अच्छे होने चाहिए, बैकग्राउंड सही होना चाहिए, अगर फोटो भी डालनी है तो आपको अच्छे से आपको साफ दिखना चाहिए लोगों को। अब इस तरह से आप थंबनेल बनाओगे भाई कौन देखेगा, मुझे बता दो, कोई देखेगा ऐसी वीडियो? या तो आप बहुत बड़े ब्लॉगर हो या आपके लाखों में लाखों करोड़ों में आपके सब्सक्राइबर, तब तो आप डाल सकते हो। अगर आप यूट्यूब पर नए हो और इस टाइप के थंबनेल आप डाल रहे हो तो भाई आपकी वीडियो में क्लिक नहीं आने वाले। जो कि अपनी पिक्चर भी डालनी है तो इस तरह से आपके इस तरह से आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है अपने थंबनेल में, ताकि लोगों को पता लगे किस बेस पे ये, किस कंटेंट पे बना रहा है, किस टॉपिक पे अपनी वीडियो बना रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो ये ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है पूरी प्रॉपर। चौथी इन्फॉर्मेशन और लास्ट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको ध्यान देना है, जो कि नए यूट्यूबर हैं खासकर, अब आपको पता कैसे लगे कि हमारा जो हमने वीडियो डाली है उसका थंबनेल सही है या गलत है, कैसे पता लगेगा आपको? तो आपको ये देख सकते हो स्क्रीनशॉट साइड में, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट अगर आपका डाउन होगा, इसका मतलब कि आपका थंबनेल में जो क्लिक रेट नहीं आ रहा, अगर क्लिक थ्रू रेट नहीं आ रहा इसका मतलब कि लोग आपके थंबनेल में क्लिक नहीं कर रहे, क्लिक नहीं कर रहे तो इसका मतलब साफ है कि आपका थंबनेल सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है, आपने नया थंबनेल बनाना है, पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी है, ये नहीं कि यही सेम आपने फिर से बना दिया, आपने चेंज करना है बिल्कुल बैकग्राउंड हर चीज़ चेंज, उसके फॉन्ट वगैरह चेंज, और अच्छे तरीके से आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है उसमें, और तब उसमें ऐड करना है। अगर आपने जो ब्लॉग डाला है, अच्छा ब्लॉग डाला है, उसमें अगर इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट डाउन जा रहा है, अगर आपने चेंज नहीं किया तो होगा क्या कि आपके इसमें व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आने वाले, क्योंकि यूट्यूब उसको आगे ही नहीं भेजेगा, लोगों तक भेजेगा नहीं तो व्यूज़ कैसे आएंगे। और हाँ, एक वीडियो मैंने और बना रखी है कि अपनी वीडियो को वॉच कैसे करें, इस तरह से भी आप अपने थंबनेल के जो इंप्रेशन रेट है उसको बढ़ा सकते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से। ये जो ब्लॉग आ रहा है इसमें क्लिक करके आप पूरा वॉच कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, और आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको अपने वीडियो वॉच करनी है प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी, चार जानकारी जो कि मैंने दी आपको थंबनेल से रिलेटेड, जो कि गलती आप करते हो। अगर आपने इस चार चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर दिया तो भाई आपके व्यूज आना चालू हो जाएंगे। तो यही था दोस्तों आज का ब्लॉग, आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए गुड बाय।